अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वाफियत होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मैं इस टाइम मौजूद हूँ वज़ीराबाद जंक्शन। सामने आपको मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है और यहीं से एंट्रेंस रास्ता है। आज का जो हमारा सफ़र है वज़ीराबाद जंक्शन से फैसलाबाद के लिए 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में, यहाँ से एक ब्रांच लाइन सियालकोट की तरफ जा रही है और स्टेशन के अंदर आते ही हमें टाइम टेबल देखने को मिले हैं मुख्तलिफ ट्रेनों के, और उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस होते हैं और चलते हैं टिकट घर की तरफ। चल के टिकट लेते हैं। टिकट घर आने पे हमें यहाँ पे मेन लाइन और ब्रांच लाइन के किराए नामे देखने को मिले हैं मुख्तलिफ स्टेशन के। हमारा जो सफ़र है ब्रांच लाइन का फैसलाबाद के लिए और जिसकी जो प्राइस है वो 500 रुपये लिखी गई है, और सामने टिकट घर है वहाँ से जो है हम लोग टिकट परचेज़ करते हैं। दोबारा हम लोग प्लेटफॉर्म पर आए हैं, सामने सिग्नल डाउन हो चुके हैं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के, और आज का जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन 170 से 175 किलोमीटर का है वज़ीराबाद से फैसलाबाद के लिए, और यहाँ से ब्रांच लाइन का हमारा सफ़र होगा वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन हाफ़ज़ाबाद फैसलाबाद बरास्ता, और फैसलाबाद का जो हमें टिकट है वो 500 रुपये में मसूल हुआ है, और जबकि टिकट के ऊपर पहले जो फेयर है वो 750 रुपये लिखा गया था, उसको काट के हमें 500 रुपये में दिया गया। ज़्यादा फेयर नहीं है फैसला वज़ीराबाद से फैसलाबाद का, डेट का जो प्रिंट है वो ख़त्म हो चुका है। 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस HBU 20 8039 की क़ियादत में वज़ीराबाद जंक्शन अराइवल करने जा रही है। एसी स्टैंडर्ड और जो तीसरी कोच है वो भी एसी स्टैंडर्ड की है, उसके बाद इकोनॉमी क्लास शुरू हो रही है। हमारा जो आज का सफ़र है वो इकोनॉमी क्लास में है। का स्टॉप करने के बाद 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन से डिपार्चर कर रही है, और राइट टाइम है गाड़ी। हमारा जो आज का सफ़र है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में वज़ीराबाद से फैसलाबाद तक होगा। सुबह 6 बजे ट्रेन रावलपिंडी से निकली है, कराची इसकी मंजिल है, और राइट टाइम चल रही है। वज़ीराबाद से हम लोग रवाना हो रहे हैं और यहाँ से हम लोग ब्रांच लाइन की तरफ रुख करेंगे वज़ीराबाद हाफ़ज़ाबाद सांगला हेल फैसलाबाद की तरफ। पाकिस्तान एक्सप्रेस मेन लाइन से ब्रांच लाइन की तरफ जाते हुए, और यहाँ से हम लोग रन करेंगे हाफ़ज़ाबाद के लिए, और हमारा वज़ीराबाद से निकलने के बाद जो अपना स्टॉप है वो अलीपुर चट्ठा है, और उसके बाद हाफ़ज़ाबाद सिक्की और सांगला है फिर फैसलाबाद। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म आप लोग
हो नहीं रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन मंसूर वाली रेलवे स्टेशन से थ्रो पास हो रही है मेन लाइन से, और पीछे का व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को, और ट्रैक साउंड जो है वो काफ़ी कमाल का है। मंसूर वाली रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ जहाँ से हम लोग थ्रो पास हो रहे हैं। ब्रांच लाइन की गाड़ी है, और ब्रांच लाइन के बाद ब्रांच लाइन पे जो पाकिस्तान एक्सप्रेस की स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर में देखने को मिलती है। ब्रांच लाइन में सफर है, और अभी हमारी ट्रेन जो है वो अलीपुर चक्कर की तरफ पहुँचने आ रही है। बाद जंक्शन से निकलने के बाद हमारा पहला स्टॉप अलीपुर था जा रहा है, और ट्रेन ने लोकल लाइन का रुख कर लिया, और यहाँ पर भी जो है मुसाफिरों की तादाद हमें नज़र आ रही है। और मेन लाइन पर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस मौजूद है, चलें इसको भी देखते हैं। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन में मौजूद है, PH 28302 लेट कर रहा है इसको, और देखेंगे कि पहले किस ट्रेन को रवाना किया जाता है। सिग्नल डाउन हो गया 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का, दो मिनट का स्टॉप करने के बाद 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है, लेकिन अभी तक 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस यहां पे मौजूद है, सिग्नल डाउन हो चुके हैं उसके भी। फोर्टी सेवन अब रहमान बाबा एक्सप्रेस कल कराची से निकली है, पेशावर इसकी मंजिल है, अभी वजीराबाद से मेन लाइन की तरफ रुख कर लेगी, और इकॉनमी क्लास की कोचेज है इसके साथ। सेवन अप रहमान बाबा एक्सप्रेस के रैक में लास्ट पे हमें जो है बिजनेस क्लास देखने को मिली है एक कोच।
मुखातिब का तो हाँ ना मैंने नहीं सुना, लेकिन बच्चों के जो बाजे की आवाज़ है वो दूर सुनने को मिलती है। फोर्टी सिक्स टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और मुसाफरों का रश आप लोग को नज़र आ रहा है। ज़्यादा रश होने की वजह से हमें जो है अगली कोचिस में जगह नहीं मिली, हम लोग वापस अपने कोच की तरफ जा रहे हैं गार्डमैन में, उसी में ट्रैवल करेंगे फैसलाबाद तक। 14 अगस्त 2024 है, ट्रेन के लोकोमोटिव का हॉर्न तो हम लोगों ने नहीं सुना, लेकिन बाजे की आवाज़ आप लोगों को सुनाते हैं। ये है जश्न आज़ादी बच्चों की, और पीछे भी आप लोगों ने देखा किस तरह छोटे छोटे बच्चे बाजे का हॉर्न बजा रहे थे। करने के बाद सतीखी रेलवे स्टेशन से हम लोग रवाना हो रहे हैं, और मेन बिल्डिंग में नहीं देख दिखा सकता क्योंकि ऑपोजिट साइड पर रश भी बहुत ज़्यादा है, और मैं इस तरफ हूँ। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो सामला जंक्शन है। 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस भी आ रही है, देखते हैं कहाँ पर क्रॉस होता है हमारा। Yeah।
रामगढ़ जंक्शन हम लोग पहुँचे हैं। ट्रेन हमारी 10 मिनट लेट है और सामने 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस BH20 के साथ मौजूद है। पाकिस्तान को बचाना। 831 का मैं लिख कर रहा हूँ। हमारी ट्रेन ने अराइवल किया और 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस ने रवानगी पकड़ लिया यहाँ से सांगला जंक्शन से। और लाहौर से 112 डाउन बदर एक्सप्रेस भी जो सुबह निकली है 9:30 बजे वो भी अराइवल होने जा रही है। इसका सिग्नल डाउन कर दिया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस अब जीराबाद संगम से लॉन्च लाइन जीराबाद फतेहाबाद जीराबाद होते हुए ट्रैवल करनी जाएगी। एक 112 डाउन बदर एक्सप्रेस ने अभी सांगला जंक्शन पे अराइवल तो नहीं किया लेकिन हमारी ट्रेन ने डिपार्चर कर लिया और हम लोग चलते हैं। ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर हावर पर जा रही है और काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ पे और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है। 112 डॉल बदर एक्सप्रेस भी हमारे पीछे ही है सांगला से निकल चुकी है वो भी और देखते हैं। जब जुमला जंक्शन पे हम लोग अप्रोच बना रहे हैं और साथ आपको ये ब्रांच लाइन नज़र आ रही है। ये ब्रांच लाइन जब जुमरा सरगोदा लाला मूसा ब्रांच लाइन है और इस ब्रांच लाइन पे 17/18 डॉन मिलत एक्सप्रेस चलती है। अभी हमारा जो स्टॉप है वो जब जुमरा जंक्शन पे होगा। जब जुमरा जंक्शन जो है इसका स्टॉप नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 मिनट का शॉप दिया गया। दो मिनट का स्टॉप करने के बाद जब जुमरा जंक्शन से हमें रवाना हो गया और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। Thank you.
10 मिनट डिले के साथ 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पे अराइवल कर रही है और सामने 17 अब मिलत एक्सप्रेस मौजूद है। सेवनटीन अब मिलत एक्सप्रेस HBU20 8056 के साथ रेडी है, अब से कुछ ही देर में इसका डिपार्चर होगा यहाँ से। HBU20 8039 यहाँ से अलग हो चुका है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ से। अब यहाँ पर मज़ीद कोचेज़ अटैच की जाएंगी और बड़ी पावर यहाँ से लीड करेगी और GU40 होगा आपको प्लेटफॉर्म पर रश नज़र आ रहा है मुसाफरों का और फैसलाबाद से मज़ीद इकॉनमी क्लास और दो एसी स्टैंडर्ड की कोचेज अटैच की गई हैं। रैक प्लेस किया जा रहा है दोबारा और पुराने रैक के साथ अटैच किया जाएगा। GMU37173 NLC का लोकोमोटिव मौजूद है और साथ एक कोल फिल्टरिंग का डब्बा भी है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में हमें ये चार्जिंग साइकिल भी देखने को मिली है, यहाँ पर पैसेंजर जो है अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। फोर्टी सिक्स टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस डिपार्चर भी सल हो चुका है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। GU409016 लेट करेगा फैसलाबाद से कराची के लिए और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से मज़ीद दो एसी स्टैंडर्ड और तकरीबन 6 से 7 कोचेस इकॉनमी क्लास की अटैच की गई हैं और मुकम्मल रैक करके अब कराची की तरफ गामजन होगा। मेरा पहला मोबाइल ज़्यादा हीट अप होने की वजह से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से मैं दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल से डिपार्चर बकाया कैप्चर कर रहा हूँ, इसलिए जो है आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है।